ओवर पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है आपके बिजनेस के लिए, ये बात इस बंदे ने प्रूव कर दी। एमबीए चाय वाला, इस बंदे का नाम आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं, जहां पे भी बात हो मोटिवेशन की, बिजनेस की, कॉन्ट्रोवर्सीज, फ्रॉड, मार्केटिंग, हर जगह पे ये बंदा मौजूद है। इतनी जगह तो भगवान भी नहीं है जितनी जगह एमबीए चाय वाला है। ऊपर से मेन पेजेस ने एमबीए चाय वाला की फोटो जो है वो सेलिब्रिटीज के साथ जोड़कर उनके डाउनफॉल की वजह बताकर इसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मतलब हाउसफुल मूवी में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था पनौती वाला, वो इस बंदे को रियल लाइफ में दे दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने क्या गलत किया अपने बिजनेस में। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने 20-25 लाख रुपए लगवाए सिर्फ एक चाय की दुकान खोलने के लिए, और अब उन फ्रेंचाइजी स्टोर्स की सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, और बहुत सारी जगह पर फ्रॉड के केसेस दर्ज हुए प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। उन्होंने गलत सेल का वादा किया, हमें जो 22 सेल दी थी वो करीब 10-15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। तो सवाल ये कि एमबीए चाय वाला ने आखिर क्या गलती की अपने बिजनेस को डुबोने में। तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कई तरह के होते हैं। जो फ्रेंचाइजी मॉडल एमबीए चाय वाला कंपनी यूज कर रही है, उस फ्रेंचाइजी मॉडल में सिंपल सी चीज है कि वो अपना ब्रांड नेम किसी और को देंगे, अपने सारे प्रोडक्ट्स की रेसिपी वगैरह उनको देंगे, और उनको बोलेंगे कि आप अपना स्टोर चलाओ। बदले में वो अपने ब्रांड नेम के कुछ पैसे लेंगे, और इसी चीज के ऊपर पूरा उनका बिजनेस चलता है। और एमबीए चाय वाला की ब्रांडिंग फीस की बात करें तो वो 7-10 लाख रुपए तक है, वो भी कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और बाकी जितने भी 15-20 लाख रुपए हैं वो पूरा आउटलेट को सेटअप करने में लगते हैं। यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा एलिगेशन है कि उन्होंने 30 लाख रुपए बहुत ज्यादा लिए हमसे, जबकि जो उनको आउटलेट खोलने में पूरा खर्चा हुआ वो इतना ज्यादा था ही नहीं। मतलब फ्रेंचाइजी फीस के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज किए, और उस पैसे का कोई अता पता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि एमबीए चाय वाला की टीम ने उनको प्रॉमिस किया हम इतनी सेल आपके स्टोर से करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। एक्चुअल में कंपनीज एक प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि शायद इतनी सेल इस स्टोर से हो सकती है, बट वो एग्जैक्ट नंबर कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ये चीज की है तो बहुत ही ज्यादा गलत की है। और मेरे अकॉर्डिंग जो उनके ऊपर भारी पड़ा वो था उनका खुद का ब्रांड वैल्यू। मतलब जैसे कि हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जैसे कि इलोन मस्क, उनकी एक खुद की ब्रांड वैल्यू है जिसके दम पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं। बट इलोन मस्क को पूरी दुनिया जो है वो उनके ब्रांड्स की वजह से जानती है, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स। बट एमबीए चाय वाला की केस में बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ पे एमबीए चाय वाला अपने ब्रांड को छोड़कर बाकी सब चीजों के बारे में हर एक वीडियो में बात करते हैं। इवन वो अलग से इन्फ्लुएंसर बन गए और बहुत सारी ब्रांड डील भी खुद ही करते हैं। मतलब इनकी बातों में इनका खुद का बिजनेस नहीं आया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये जहां पर भी जाते वहां पे मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते, बट कभी भी इन्होंने खुलकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं की। और एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है अगर वो खुद एक इन्फ्लुएंसर बनके सामने आ रहा है तो वो अपने बिजनेस को फ्रंट हाइड पे रखे। और अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि लोग एमबीए चाय वाला स्टोर पे जाके किसी के हाथ से चाय नहीं पीना चाहते, बल्कि प्रफुल्ल बिल्लोरे खुद खड़ा हो स्टोर के ऊपर तब लोग चाय पियेंगे। और यही पर्सनल ब्रांडिंग एमबीए चाय वाला की कंपनी को भारी पड़ गई, जिसकी वजह से दिन पर दिन इनकी सेल डूबती चली गई। वैसे क्या आप लोगों ने कभी एमबीए चाय वाला की चाय ट्राई की है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर हम बात करेंगे हार्डकोर मार्केटिंग के बारे में और बाकी दूसरे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, जिससे आपको एक अवेयरनेस मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।